अच्छा ये मीटर के प्लॉट है यहाँ पर, पूरे सेक्टर में एक ही साइज अवेलेबल है 162 मीटर का। और आप देख रहे हैं लोगों ने यहाँ पे मकान अपना बनवा भी लिए हैं, काफ़ी जोरों शोरों पर काम चल रहा है। 162 मीटर का प्लॉट है पूरे सेक्टर में, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी है यहाँ पर। 9 मीटर रोड, 12 मीटर रोड, 18 मीटर रोड है अवेलेबल इन दिस सेक्टर। और 151 सेक्टर जो कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के बिल्कुल नज़दीक है। खासियत ये है सेक्टर की, कनेक्टिविटी वाइज अगर देखा जाए तो यमुना एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है, परी चौक के नियर बाय है। मेट्रो 148 इसके अपोजिट साइड है, FNG भी पास में है, पेरिफेरल यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। 150 का जो सेक्टर है जहाँ पर फ्लैट्स अच्छे बिल्डर्स आए हुए हैं वो इसके बराबर में है। तीनों तरफ से 45 मीटर रोड है, काफ़ी लग्जरी सेक्टर आप देख रहे हैं, रेजिडेंस सेक्टर है ये। आपका JP अमन है, ऑलरेडी लोग रह रहे हैं इसमें, लोगों ने यहाँ पर देखेंगे काम भी स्टार्ट कर रखा है। ये है 9 मीटर रोड और वो है आपका पार्क। तो पार्क के अपोजिट साइड 9 मीटर रोड पे एक प्लॉट अवेलेबल है बीच में, जिसका ओवरऑल कॉस्ट पड़ेगा आपका 90 लाख रुपीज के नियर अबाउट। प्रीमियम चल रहा है यहाँ पे, सभी प्लॉट का प्रीमियम अपना अपना प्रीमियम, अलग अलग प्रीमियम है। काफ़ी अच्छा सेक्टर है, लोग यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं आगे चल के रहने के लिए, काफ़ी अच्छा सेक्टर है। ए ब्लॉक में एक पार्क है, बी ब्लॉक में पार्क है, काफ़ी अच्छी ग्रीनरी एरिया है यहाँ पे। तो इस वाले पर्टिकुलर ब्लॉक में एक प्लॉट अवेलेबल है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक प्लॉट और है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर है वो से प्लॉट दोस्तों, पार्क के जस्ट अपोजिट साइड यहाँ पे 162 मीटर का जो कि अवेलेबल है अभी हमारे पास। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये भी आ गया 9 मीटर रोड। ये वाले एक इस एरिया में हमारे पास प्लॉट अवेलेबल है जिसका ओवरऑल कॉस्ट 95 लाख रुपीस के नियर अबाउट जाता है, 95 लाख रुपए। अब जैसे देखेंगे कि लोगों ने यहाँ पे बनाना भी स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी लोग यहाँ पे बना भी रहे हैं, जोरों शोरों से काम चल रहा है। और ये आपका ये पार्क है, पार्क के आसपास का एरिया काफ़ी अच्छा होता है, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे प्लॉट देख रहे हैं आप अपने लिए, रहने के पर्पज़ से, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, काफ़ी अच्छा सेक्टर है, तो कॉल कीजिए इस नंबर पे अधिक जानकारी के लिए। और कुछ ही प्लॉट्स बचे हैं मात्र यहाँ पर, और जैसा कि आप देख ही सकते हैं अगर आपने यहाँ पर विज़िट किया है तो विज़िट करके भी देख सकते हैं। तो प्लॉट की अवेलेबिलिटी बहुत कम है यहाँ पर, तो जितना जल्दी आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, जितना जल्दी आप यहाँ पर ले पाएंगे सही रेट में आपको मिल पाएगा, अदरवाइज़ वो रेट और भी धीरे धीरे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी उछाल आया है नोएडा की प्रॉपर्टी में, सेक्टर 150 के बनने के बाद इस सेक्टर में रेट बढ़े हैं, जेवर एयरपोर्ट की वजह से भी यहाँ के रेट बढ़े। ऐसा साइज होगा आपका बनने के बाद 162 मीटर का, ये ऑलरेडी एक घर बना हुआ है, काफ़ी अच्छा घर बना हुआ है। तो इसको हम एक बार चारों तरफ से देख लेते हैं। 162 मीटर घर बनाने के लिए काफ़ी अच्छा साइज है। ये है
जी हाँ, तो आप देख सकते हैं 162 मीटर का प्लॉट का साइज चारों तरफ से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हुए हम चलते हैं दूसरे वीडियो की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। नोएडा में अगर आप कोई फ्लैट देख रहे हैं या प्लॉट देख रहे हैं तो संपर्क कीजिए।